हाय एवरीवन, दिस इज़ विरोनिका। आज का हमारा टॉपिक है सर्वत्र कवच। ये कवच क्या है? आर्मी से रिलेटेड है ऑब्वियसली। एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह क्या जैकेट है ये, जो कि एक मेजर ने डेवलप की है। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। मेरे साथ अपडेट्स एंड क्वेरीज़ के लिए आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। अब देखिए, एग्जाम में इसका क्या रेलेवेंस है? मेंस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन एवरीडे लाइफ, वहाँ पे ये टॉपिक आपका कवर होता है। ऑब्जेक्टिव लेवल पे सर्वत्र कवच हो गया, या सर्वत्रा कवच बोल लीजिए, भाभा कवच हो गया। ये क्या है? ये आपको MCQs के लिए किसी भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव लेवल पर हम डिस्कस करेंगे मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी, यानी यहाँ पे क्या रिफॉर्म्स कुछ कमेटीज़ ने सजेस्ट की हैं कभी आर्मी के लिए, मिलिट्री के लिए, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कॉन्टेक्स्ट में जिसमें हम आज बात कर रहे हैं, इंडियन आर्मी के मेजर हैं, उनको अवार्ड दिया गया है। डिज़ाइन ब्यूरो एक्सेलेंस अवार्ड उनको मिला है। आर्मी चीफ द्वारा ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि उन्होंने डेवलप किया है हमारे ही देश में सर्वत्र बुलेट प्रूफ जैकेट। ये एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। अब देखिए इस कवच के बारे में, ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है बहुत सारे एम्यूनिशन के खिलाफ, स्नाइपर राइफल स्पेशली उनको, क्योंकि पहले इस तरह का बुलेट प्रूफ जैकेट अवेलेबल नहीं रहता था जो कि इंडिजीनियसली कभी हमने बिल्ड किया हो। तो यहाँ पे स्नाइपर राइफल्स द्वारा भी यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है सर्वत्र कवच के द्वारा हमारे जवानों को मिलेगी। और इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो प्रोटेक्शन है वो आपके गले से लेकर आपके एंकल तक, और जो आपकी अपर आर्म्स हैं वो सब कवर रहेंगी, वहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगी। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसको जून 2017 में सैंक्शन किया गया था। पहले इस डिज़ाइन को और इसके डेवलपमेंट के लिए लेवल 3A यानी सॉफ्ट बॉडी आर्मर तक ये सूट इसको बनाने की कोशिश की गई थी, इतना सैंक्शन किया गया था। लेकिन बाद में इसको रिवाइज करके लेवल 4 पे कर दिया गया ताकि हार्ड आर्मर पैनल इंसर्ट्स जो हैं वो भी इसमें रहे, राइट? तो ये आपका करंट अफेयर है जो लेटेस्ट बुलेट प्रूफ और आर्मी जैकेट्स, इस तरह की बुलेट प्रूफ जैकेट्स में हुआ है। और इसका नाम आपको याद रखना है और ये किस तरह की प्रोटेक्शन देता है, किस तरीके से इसका डिज़ाइन है। इससे पहले कुछ चंद महीने पहले न्यूज़ में था भाभा कवच, तो इसको भी हम आज डिस्कस कर लेंगे इसके साथ ही, ताकि आपका छूट ना जाए। भाभा कवच भी एक बुलेट प्रूफ जैकेट थी और आर्म्ड फोर्सेज ने इसके लिए अराउंड 2 लाख जो भाभा कवच बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं उनका ऑर्डर रखा गया था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 2 लाख इस तरह की जैकेट्स का जो ऑर्डर है वो दिया गया था। तो भाभा कवच भी बेसिकली एक लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट है, बहुत ही लाइट बुलेट प्रूफ जैकेट है जो कि इंडियन आर्मी यूज़ करती है। और इसका नाम भाभा कवच इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे एक नैनो बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है जिसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से लिया गया था। तो भाभा कवच के बारे में आपको इसलिए बता रही हूँ कि एग्ज़ाम में कभी आप सर्वत्र कवच और भाभा कवच से कंफ्यूज ना हो जाएं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ओके? और सर्वत्र कवच को बनाने वाले, ये जो सर्वत्र कवच के बारे में मैंने बताया है, जिन मेजर को ये अवार्ड मिला है उनका नाम है मेजर अनूप मिश्रा, ओके? वैसे नाम तो ज़्यादा कहीं पे पूछा नहीं जाता, बट कहीं पूछ लें तो आपकी नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेजर अनूप मिश्रा को ये जो ADB अवार्ड है, आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो एक्सेलेंस अवार्ड, ये दिया गया है। और ये जो भाभा कवच की मैं बात कर रही हूँ, इसको डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाया गया है, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हो गया, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड हो गया, और जो टेक्नोलॉजी है वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से ली गई है। तो यहाँ पे भाभा कवच देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बेसिकली ये एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर काम करती है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है उसके अंदर आती है। और ये जैकेट जो है भाभा कवच इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और मिधानी का नाम मैंने आपको बताया, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि मेटल्स और मेटल एलॉय में स्पेशली काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इसकी इंडिया में है और ये हैदराबाद तेलंगाना में ये स्थित है, ये जो मिधानी है। तो देखिए, इस तरह की बुलेट प्रूफ जैकेट्स का इस्तेमाल हमको ये ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आपने देखा बहुत इस तरह के टेररिस्ट अटैक हुए, उड़ी देखा आपने, हमने पुलवामा देखा, जहाँ पे इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एडवांस टेक्नोलॉजी की डेवलप करने की, ताकि कॉस्ट इफ़ेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम हमारा रहे। क्योंकि 21st सेंचुरी के साथ साथ कुछ बहुत ही फास्ट चेंजिंग थ्रेट्स हम देख रहे हैं,
उसके बाद जिस तरह की हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हो गई, जिस तरह से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है BSF, आपकी ITBP है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस हो गई, आपका सशस्त्र सीमा बल SSB है, तो ये सब बॉर्डर एरियाज पे रहते हैं और बहुत ही एक्सपोज्ड रहते हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स को लेके। तो बाबा कवच और सर्वत्र कवच इस तरह की जैकेट्स डिज़ाइन की गई हैं स्पेशली ताकि इंडियन डिफेंस फोर्सेज को हम प्रोटेक्ट कर सकें। जिस तरह की अब जो सर्वत्र कवच है ये आपकी स्नाइपर राइफल्स के खिलाफ भी आपको प्रोटेक्शन देगी। भाबा कवच था तो वो आपकी AK-47 राइफल के खिलाफ आपको प्रोटेक्शन देती थी। आपकी अगर इंसास बुलेट है, ओके, ये आपकी 5.56 mm इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम बुलेट है इंसास, उसके खिलाफ भी प्रोटेक्शन देती है। SLR हो गया, ये 7.65 mm बुलेट है जो सेल्फ लोडिंग राइफल है SLR की, उसके खिलाफ प्रोटेक्शन देती है। AK-47 का भी जो है वो 7.62 mm हार्ड स्टील कोर बुलेट फायर की जाती है, तो इन सब के खिलाफ प्रोटेक्शन जो है वो मिलती है। तो इनके नाम आप याद रख सकते हैं, स्नाइपर राइफल हो गया, AK-47 हो गया, इंसास हो गया, SLR हो गया, तो इनके बुलेट के ये कितना है ये भी याद रख सकते हैं। तो अभी तक बुलेट प्रूफ जैकेट की बात की, इसके साथ जो टॉपिक ये अभी तक जो हमने बात की ये आपके ऑब्जेक्टिव लेवल से इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए। अब इसी टॉपिक के साथ मैंने कनेक्ट किया है मिलिट्री रिफॉर्म्स, ये आपके मेंस के लिए या जो भी सब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या जो लोग वाइवा में देते हैं उनको इंपॉर्टेंट है कि किस तरह की मिलिट्री रिफॉर्म्स की हमारे देश में ज़रूरत है। देखिए, मिलिट्री रिफॉर्म्स जो नए चैलेंजेस हैं 21st century के सिक्योरिटी चैलेंजेस, अगर हम उनको फेस करना चाहते हैं तो मिलिट्री रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिपेंडेंस के बाद जो हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारे देश को सौंपी गई, लेकिन उसके बाद बहुत सी चीज़ें हमारी आर्मी में या मिलिट्री में चेंज नहीं हुई। इंडो चाइना वॉर तक कुछ खास चेंजेस नहीं आए 1962 तक, लेकिन उसके बाद कुछ डिफेंस रिफॉर्म्स जो हैं वो उनकी नीड हमको लगी कि वो होनी चाहिए। तो इसीलिए जो हमारा फर्स्ट डिफेंस प्लान था 1964 और 69 के बीच में, यहाँ पे डिफेंस रिक्वायरमेंट्स की बात की गई। इसके तहत एक प्लानिंग सेल होता है, प्लानिंग सेल को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया 1965 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। उसके बाद आपका सेकेंड डिफेंस प्लान आया, ये आपका फर्स्ट डिफेंस प्लान था, फिर आपका सेकेंड डिफेंस प्लान आया जो कि 1969 से 74 के बीच में रहा, ये रोल ऑन बेसिस पे था। उसके बाद 1974 की अगर हम बात करें तो एपेक्स ग्रुप, यूनियन मिनिस्टर फॉर प्लानिंग ने सजेस्ट किया कि एक एपेक्स ग्रुप होना चाहिए, किसके अंदर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग के अंदर, जहाँ पे लॉन्ग टर्म डिफेंस प्लान जो है वो बनाए जाएं जो कि ज़्यादा इफेक्टिव हों और इकोनॉमिकली वायबल भी हों। और देखिए 1990 तक जो जितने भी हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज थे उनको कौन हैंडल करता था, CCPA। CCPA क्या है, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। लेकिन उसके बाद क्या बनाया गया, CCS बनाया गया जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये मिड 90s में इसको इस्टेब्लिश किया गया। ओके, अब अगला सवाल है कि ओके, हम मिलिट्री रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं लेकिन हमको क्या ज़रूरत है मिलिट्री रिफॉर्म्स की। तो देखिए, हमारे देश में बहुत सारे स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस हैं, साउथ एशिया की स्पेशली अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस हैं, जैसे कि अफगानिस्तान में कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर टेंस है। हमारे बहुत सारे अनरिजॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, किसके साथ, इंडिया के साथ और चाइना के बीच हमारे डिस्प्यूट्स हैं। उसके बाद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान से स्पॉन्सर होता है, उससे हमारे देश में कितना नुकसान होता है। फिर अपने ही देश में हम कई जगह रेडिकल एक्सट्रीमिज्म भी देखते हैं, और इनफैक्ट ग्लोबली भी देखें तो रेडिकल एक्सट्रीमिज्म बढ़ता जा रहा है और शिफ्ट्स भी इसमें दिख रही हैं, तो ये भी एक नया चैलेंज है। उसके बाद लेफ्ट विंग जो नक्सलिज्म है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है हमारे देश में, वो भी हमारे लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक चैलेंज है। अर्बन टेररिज्म करके अब ये नई चीज़ बढ़ रही है, अर्बन टेररिज्म इंक्रीज, ये भी एक नेचुरल थ्रेट हमको बनता जा रहा है। उसके बाद जो हमारे हॉस्टाइल नेबर्स हैं जिनके साथ हमारी ज़्यादा नहीं बनती, न्यूक्लियर थ्रेट्स के इश्यूज हमेशा उठते हैं। तो ये स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस इंडिया के सामने हैं कि हमको मिलिट्री में कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम वॉर प्लान की बात करें कि कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग में जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है उसकी एक एब्सेंस है, वो नहीं है।
हमारा कोई भी कंबाइंड ट्राई सरफेस स्ट्रक्चर नहीं है जिसको इस तरीके से ट्रेन किया हो कि कभी इंटीग्रेटेड वॉर हो जाए, या फिर जो जॉइंट थिएटर कमांड्स होती हैं बैटलफील्ड मैनेजमेंट के लिए, वो तीनों मिलके एक साथ काम कर सकें. तो इस तरह का कोई कंबाइंड ट्राई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है. ये चीज़ देखिए आपको कैसे पता चलती है कि करेंटली अगर बात करें तो आप देखो आपका आर्मी ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, एयरफोर्स कमांड कहाँ है और नेवी डिस्टेंट है. तो तीनों जगह के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ही दूर हैं. उसके बाद सिविल मिलिट्री रिलेशन की बात करें तो एक प्रॉपर एडिक्वेट जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है डायलॉग के लिए सिविलियंस के बीच में, सिविलियन लीडरशिप के बीच में और मिलिट्री लीडरशिप के बीच में, ऐसा एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हमको नज़र नहीं आता, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है. इन कंट्रास्ट अगर हम बात करें US और ब्रिटेन का देखें तो वहाँ पे सिविल और डिफेंस ऑफिसर्स होते हैं जो कि मिलके काम करते हैं, एक दूसरे से ओपिनियन शेयर करते हैं हर लेवल पे. कोई भी कॉन्क्रीट प्रपोजल बनाने से पहले ओपिनियंस जो हैं वो शेयर किए जाते हैं और फिर उनको ड्राफ्ट किया जाता है ताकि फाइनल डिसीजन जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ले सकें. तो उस चीज़ का भी एक एब्सेंस है. उसके बाद देखिए सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, इसका क्या मतलब है. जैसे कि UK में क्या होता है कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी तरह की पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए. अगर कोई भी पॉलिसी बनती है तो उसको वहाँ पे वो जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होता है वो बनाता है, डिसीजन मेकिंग का रहता है और उसके ओवरसाइट फंक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है. और ये जितने भी फंक्शंस ये सेक्रेटरी करता है इसमें उसको असिस्ट कौन करता है, CDS होता है वहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. लेकिन इंडिया में अगर हम बात करें तो फाइनल अथॉरिटी जो है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर के पास रहती है जो कि डिफेंस सेक्रेटरी के साथ काम करती है या करता है. तो यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं एक अनक्लियर डेलीगेशन और अकाउंटेबिलिटी दिखती है. तो उस चीज़ को सेट करने की ज़रूरत है क्योंकि भारत में थोड़ा इस चीज़ का भी डर है कि अगर ज़्यादा यूनिफिकेशन हो गई सर्विसेज के, कि मतलब एक ही मिलिट्री ऑफिसर हो गया, तो प्रॉबेबली जो कंट्रोल है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ से वो निकल जाएगा. तो इसलिए भी इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता. उसके बाद मिलिट्री कैपेसिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे भी बहुत ही लो टीथ टेल रेशो है. टेल रेशो जो है वो बहुत कम है. अनफुलफिल्ड वैकेंसीज हैं जो कि मिलिट्री कैपेसिटी को कम करता है. फिर टाइम टू टाइम हमने देखा कि बजट एलोकेशन जो है डिफेंस के लिए वो भी हमारा कम करते गए. GDP से अगर कितना परसेंट डिफेंस में दिया जाता है तो वो टाइम टू टाइम कम होता गया, तो वो भी एक प्रॉब्लम है. उसके बाद वॉर इक्विपमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं हमारे जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, आउटडेट हो चुके हैं, जो कि हमारी फोर्सेस की जो कैपेबिलिटीज़ है अगर कल को लड़ाई होती है तो हमारी कैपेबिलिटीज़ को कम करता है. 2018 में ही एक रिपोर्ट में बोला कि 68% जो वॉर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, जो किसी काम के नहीं हैं. प्रोक्योरमेंट इशू भी रहता है, जैसे कि अगर कुछ इक्विपमेंट्स हमको लेने हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जिससे जो हमारे जवान हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनका मोरल डाउन हो जाता है. जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं वो भी काफ़ी आउटडेट हो चुकी हैं. FDI जो है डिफेंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, वहाँ पे भी उसमें भी कमी दिखती है. और जो डायरेक्शंस हैं और एक सेंस ऑफ पर्पस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो भी हमको यहाँ पे ज़्यादा नज़र नहीं आता. तो ये कुछ ज़रूरतें हैं जो बोलती हैं कि मिलिट्री में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. देखिए इसी तरह से एक कारगिल रिव्यू कमेटी थी जिन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे कि हमको इस न्यूक्लियर डेटरेंस जो है वो क्रिएट करना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी को मैनेज करना चाहिए, इंटेलिजेंस में रिफॉर्म्स लानी चाहिए, बॉर्डर मैनेजमेंट को चेंज करना चाहिए, डिफेंस बजट की बात की गई थी, एयर पावर को कैसे यूज़ करना है बताया गया था और मीडिया के साथ कैसे रिलेशंस होने चाहिए इसको भी बताया गया था. अब जो CCS है उन्होंने इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया था, माना था, लेकिन उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की थी यहाँ पे कि CDS की हमारे देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की ज़रूरत है. क्योंकि अगर देखिए CDS होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो उनके काम कैसे रहेंगे, एक सिंगल पॉइंट हो जाएगा मिलिट्री एडवाइस का कि गवर्नमेंट को एक ही जगह से एडवाइस जा रही है. इंटर सर्विसेज प्रायोरिटाइजेशन जो है डिफेंस प्लान्स की वो होगी. और इसमें हो सकता है कि प्रपोज किया गया था कि इससे कोऑर्डिनेशन जो है तीनों सर्विसेज के बीच में वो बढ़ जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे पॉलिटिकल कंसेंसस की बहुत ज़रूरत है.
इसके बाद थिएटर कमांड्स की बात की गई थी जॉइंट वॉरफेयर के लिए कि फ्यूचर कन्फ्लिक्ट्स में अगर जॉइंट वॉरफेयर होता है तो थिएटर कमांड्स रहने चाहिए. तो तीन नई ट्राई सर्विस कमांड्स की बात की गई, स्पेशल ऑपरेशंस कमांड, एरोस्पेस कमांड और साइबर कमांड. थिएटर कमांड बेसिकली क्या है, ये एक जॉइंट कमांड सिस्टम है जहाँ पे तीनों सर्विसेज जो हैं उनके रिसोर्सेज रहते हैं, चाहे वो आपका इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन आर्मी हो या इंडियन नेवी हो. और इसके ऊपर रहते हैं एक, ये किसकी कमांड में रहते हैं, सिंगल सीनियर मिलिट्री कमांडर के अंदर. और जॉइंट कमांड में जितनी सर्विसेज हैं ये मिलके काम करती हैं लेकिन अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी ऑब्वियसली मेंटेन रखती हैं. इस तरह की कमांड्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है जियोग्राफिकल बेसिस पे. और एक कमेटी थी आपकी, यहाँ पे इनका नाम है डी बी शेकटकर कमेटी. तो इन्होंने भी कुछ जो रिकमेंडेशंस हैं वो दी थी और फाइनली ये मैंने साइट से ही लिया है जो अंडर इम्प्लीमेंटेशन थी कि क्या क्या चीज़ें उसे एक्सेप्ट की जाएंगी. देखिए जितने भी आपकी मेजर मिलिट्री पावर्स हैं, अगर हम US की बात कर लें, हम चाइना की बात कर लें, वो थिएटर कमांड्स वहाँ पे चलती हैं, वो मिलके काम करते हैं उनके डिफरेंट जो फोर्सेज हैं. भारत में भी ऐसी 19 कमांड्स हैं जहाँ पे 14 आपकी जियोग्राफिक कमांड्स हैं, 3 आपकी फंक्शनल हैं और 2 आपकी जॉइंट कमांड्स हैं. देखिए थिएटर कमांड्स को इसलिए बेटर माना जाता है क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज पूल हो जाते हैं और एफिशिएंसी आपकी इम्प्रूव हो जाती है. क्योंकि अगर कभी बैटल, कभी लड़ाई हो जाए तो अगर दो फोर्स सर्विसेज के बीच में डिफरेंसेस आ जाएं तो वो देश के लिए काफ़ी खतरा हो सकता है. इसलिए जो थिएटर कमांड है जहाँ पे कमांडर एक कमांडर हो वो नीड ऑफ द आर जो है वो बोला जाता है. यानी यहाँ पे जो शेखतर कमेटी है आपकी, शेखतकर कमेटी है, यहाँ पे कॉम्बैट कंपैटिबिलिटी को इम्प्रूव करने की बात की गई और जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको रीबैलेंस करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस के लिए बात की गई. काफ़ी चीज़ें जो रिकमेंडेशंस हैं कारगिल रिव्यू कमेटी की, उनको भी इंटीग्रेट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था. जैसे कि हेडक्वार्टर IDS जो है, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, उसको क्रिएट किया गया. ये सब लॉन्ग टर्म प्लान्स और जॉइंट ट्रेनिंग के लिए किया गया. उसके बाद ANC है आपका, अंडमान एंड निकोबार कमांड, उसको क्रिएट किया गया. उसके बाद जितनी भी जॉइंट एक्सरसाइजेज आप न्यूज़ में देखते रहते हैं तो इस तरह की जॉइंट एक्सरसाइजेज और ऑपरेशंस जो हैं उनको टाइम टू टाइम किया जाता है. तो बहुत सारी रिकमेंडेशंस को मिलिट्री में जो है वो जगह दी गई, उनको अडॉप्ट किया गया. मेक इन इंडिया कैंपेन जो है डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंदर, उसको बूस्ट किया गया. तो आप देख सकते हैं जिन रिफॉर्म्स की हमने बात की, जिनकी ज़रूरत है, काफ़ी चीज़ों को अडॉप्ट भी किया गया लेकिन बहुत सारी चीज़ों को अभी भी अडॉप्ट करना बाकी है. तो वे फॉरवर्ड में हम क्या बोल सकते हैं कि डेफिनेटली एक हमको नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हो वो फॉर्मुलेट करना चाहिए, बनाना चाहिए. फिर नरेश चंद्र कमेटी में कहा गया था कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो पोस्ट है उसको रिकमेंड किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए, उसको भी कंसीडर करना चाहिए. डिफेंस बजट को भी कहीं ना कहीं विद टाइम GDP जो है मॉडर्नाइजेशन, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए बजट भी इंक्रीज करना चाहिए. उसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ कर सकते हैं मॉडर्न वॉरफेयर सिस्टम में. मिलिट्री परफॉर्मेंस जो है जॉइंट ऑपरेशंस के तहत टाइम टू टाइम उस पर चेक होना चाहिए और वो अच्छे से कराई जानी चाहिए. उसके बाद जिस तरह के अगर हमने बीच में प्रोटेस्ट देखे, इम्बैलेंसेस देखे 5th, 6th, 7th पे कमीशंस में, जहाँ पे सिविल मिलिट्री डिवाइड हमको देखने को मिला, उन मसलों को भी हल करना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई इस तरह का जो मसला है वो हमारे सामने ना आए. और देखिए जैसे लास्ट ईयर इस पे मैंने वीडियो बनाया था नेशनल वॉर मेमोरियल पे, तो ये आप अगर नेशनल वॉर मेमोरियल सर्च करेंगे StudyIQ पे तो आपको पूरा वीडियो मिलेगा. तो इस तरह के और भी स्टेप्स लेने चाहिए क्योंकि ये जो मोरल है, जो हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स बॉर्डर पे अपनी जान देते हैं, उनको, उनके सैक्रिफाइसेस, उनके बलिदान को ऑनर करने के लिए इस तरह की मॉन्यूमेंट्स होना देश में बहुत ज़रूरी है, जो कि बनाई भी गई, जो कि बहुत ही एक वेलकम स्टेप गवर्नमेंट का रहा है. तो यही था हमारा आज का डिस्कशन. अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे सोशल मीडिया पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू.